Assalamu alaikum friends, welcome back to a new vlog. Or in this vlog I am starting this vlog in a home, you can see. So first of all, Ramzan Mubarak aap sabhi ko. 23 March hai aaj, aur obviously Turkey mein aaj Ramzan hai, aur mera pehla roza hai, matlab लाइफ का नहीं, मतलब आज इस साल का जो रमज़ान है वो पहला है. आई विल शो यू हाउ द टर्किश पीपल्स दे मेक देयर रमज़ान, और मैं भी क्या क्या करता हूँ रमज़ान में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. और हाँ, 24 को इंडिया में रमज़ान है, तो आप सबको रमज़ान मुबारक. और अभी सहरी का टाइम हो रहा है, तो हम सहरी करेंगे. तो यहाँ पे भी सहरी लग रही है, ये अभी हाँ सहरी लगा रहे हैं, मतलब खाना लगा रहे हैं. उसके बाद हम यहाँ खाना खा के उसके बाद फिर थोड़ा कुरान पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर मैं स्कूल की तैयारी करके स्कूल जाऊँगा. तो चलिए जल्दी से अभी तैयारी, खाना खाते हैं, मतलब सहरी करते हैं. तो पहले खाना लगवा लेते हैं, हेल्प कर देते हैं, तो चलिए चलते हैं. तो फ्रेंड्स, ये हमारी सहरी का फूड है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन फूड है, और ये रात की सब्जी है जो हमारे इंडिया में होता है. ऑब्वियसली द सेम थिंग, और यहाँ रोटी है, बन, ब्रेड, चाय और चॉकलेट है छोटे के बच्चों के लिए, दूध, पानी और जूस आ रहा है. तो ये आप देख सकते हो हम ये शहरी में खाने जा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, ये भी आज रोज़ा रख लिए पहला. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक. और इसका भी है पहला रोज़ा. अस्सलाम वालेकुम, आप लोग को रमज़ान मुबारक. सो बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह और साथ में खाना शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, सहरी तो कर लिए, मतलब ये खाना तो पीना हो चुका है, और यहाँ पे ये देखिए खाना तो हो गया है, और ये दोनों बस अपनी दूध पी रहे अपना. और अच्छा, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. यहाँ पे क्या होता है कि आई डोंट नो यहाँ पे क्यों होता है, वैसे हमारे इंडिया में भी होता है, लोग माइक पे बोलते हैं उठ जाओ सहरी कर लो, और यहाँ पे भी होता है. यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे ना ड्रम लेकर आते हैं, और पूरे घुमा घुमा के मतलब बजाते रहते हैं पूरे ड्रम पूरे गलियों में, तो ड्रम की आवाज़ आती है बहुत तेज. तो अभी यहाँ पे बजा रहे थे, चले गए. और यहाँ पे मैं हर जगह होता है, वैसे तो मैंने देखा है, मतलब कहीं कुछ और होता है, कहीं किसी को आवाज़ दे के बुलाया जाता है, कैसे दरवाज़ा खटखटाया जाता है, तो माइक में बोला जाता है, यहाँ पे ड्रम बजाया जाता है. तो ये आई थिंक किसी ने नहीं बताया होगा यहाँ पे ऐसा कुछ होता है रमज़ान में. तो ये आई थिंक लेटेस्ट एक न्यू चीज़ आपको जानने को मिलेगी रमज़ान में, यहाँ ड्रम बजते हैं. सो फ्रेंड्स, सहरी हो चुकी है, और अब टाइम भी हो चुका है सहरी का ख़त्म, और अब हमने मतलब ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, अब हम जाएंगे, मतलब अब तो मतलब कुरान पढ़ेंगे और अजान होगी, नमाज़ पढ़ेंगे, और अब मैं यहाँ से जाऊँगा स्कूल. अब मुझे तैयारी करनी होगी स्कूल की, अब मैं स्कूल जाऊँगा, स्कूल के बाद मैं आऊँगा, फिर आप लोग से मिलता हूँ मैं. तो आइए चलते हैं और जल्दी से तैयारी करते हैं. अब क्या है कि मेरे को स्कूल जाना है, तो आप देख सकते हो मैंने स्कूल की ड्रेस पहन ली है, और अब मैं स्कूल जा रहा हूँ. अब स्कूल से मैं तकरीबन आऊँगा 2 बजे के बाद, तो चलिए चलते हैं स्कूल. तो चलिए लेट्स गो. सो फ्रेंड्स, स्कूल से तो मैं आ चुका हूँ, मतलब अभी आया नहीं, यहाँ पे मैं मिनी बस से उतर गया हूँ. अब मिनी बस से मैं उतर चुका हूँ, और 500 मीटर अराउंड मेरा घर दूर है, तो यहाँ सब हमें वॉक करके जाना होगा. आप यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ का व्यू है रमज़ान में बाहर का व्यू, लोगों का ज़्यादा लोग बाहर नहीं, अब बहुत कम लोग हैं अब. सो फ्रेंड्स, ये लोग जो हैं नमाज़ पढ़ कर आ रहे हैं, ये देखिए. और सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं घर तो आ चुका हूँ, अब थोड़ा मुझे स्कूल का काम है वो कंप्लीट करके फिर मैं बताता हूँ मैं क्या क्या करने वाला हूँ, और फिर आपको बाहर का व्यू भी लेकर मतलब बाहर चल के आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊंगा. तो जल्दी से चलते हैं काम को. सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग मार्केट विथ माय मॉम. तो मैं अब इफ्तार के लिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, तो चलिए चलते हैं बाहर अब. सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं बाहर आ चुका हूँ, और अब हम लेंगे इफ्तार का सामान. तो सामने आप देख सकते हैं स्टोर है, तो यहाँ चलते हैं लेने के लिए फ्रूट्स वगैरह. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और अंदर चलते हैं. सो फ्रेंड्स, इंडियन मॉम का तो एक अलग ही सिस्टम होता है, हम लोग को जो अगर हम कहीं सामान लेने जा रहे हो सब बहुत सारा, तो हम लोग को लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है कि क्या क्या हमें चाहिए, और हम लोग लिस्ट पे टिक लगाते हैं ये ले लिया वो ले लिया.
लेकिन इंडियंस मॉम का अलग होता है, उनके माइंड में ऑटोमेटिक लिस्ट बनी होती है, उनको जो लेना होता है ना वो खुद ब खुद लेती रहती हैं, तो अलग ही सिस्टम होता है हमारे इंडियंस मॉम का। तो सल्यूट है। और अभी देखिए यहाँ पे ना कुछ क्लीनिंग के चीज़ें हैं, जैसे कि विंडोज़ वगैरह क्लीन करने के, वेसल क्लीन करने के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉक्स हैं और क्लोथ वॉश करने के मटेरियल्स हैं, और ये टॉयलेट पेपर्स। सो फ्रेंड्स, आप जो देख रहे हो ना ये आटा है, ऊन, जिसको ऊन बोलते हैं यहाँ पे, आटे को यहाँ पे ऊन बोलते हैं, UN ऊन। यहाँ आप देख सकते हो ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, ये 5 kg का है, और ये तो मतलब नमक, ये नमक है, ये देखिए। और सूप वगैरह ये देखिए, हमने इसमें से मतलब एक सनफ्लावर ऑयल लिया है 5 लीटर का, और ये देखिए भी सनफ्लावर ऑयल है सारे यहाँ पे, जैतून का ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल, ये दोनों ऑयल यूज़ होते हैं। ये देखिए सो ये केचप है और ये मेयोनीज है, तो ये दोनों ले लेते हैं, एक एक भी ले लिया। तो यहाँ पे है खजूर, ये देखिए, और रमज़ान में इफ्तारी के लिए खजूर बहुत ज़रूरी होते हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं, ये देखिए बॉक्स वाले हैं, ये ओपन वाले हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, 4 टाइप्स के हैं इनके पास। यहाँ पे वो आगे जूस और लिक्विड आइटम्स हैं, मतलब जो पीने वाले हैं, मिल्क, ये शक्कर है, ये वाले क्यूब्स शक्कर है बॉक्स वाले, आपने देखे होंगे वीडियोस वगैरह में क्यूब शक्कर आते हैं, तो वो हैं। और यहाँ पे जूस वगैरह हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये ब्रेड है, यहाँ पे ये खाई जाती है ब्रेड, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, अब बारी है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने की, और वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेने के लिए ना यहाँ पे पहले से यहाँ पे मतलब ऐसे प्लास्टिक रख देते हैं, और इनको निकाल के आप अपना सामान ले सकते हो, जितना आपको जो चीज़ लेनी है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। सो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे कुछ एप्पल्स, ये ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल है। सब कुछ ऑरेंज ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं यहाँ पे, हम ले रहे हैं कुछ ग्रीन वेजिटेबल, जैसे कि पालक है और कुछ हरा धनिया, कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, तो आइए ले लेते हैं। सो ये इनकी शॉप से, ये देखिए मतलब इनकी शॉप है ये, तो ये वाला खजूर ले रहे हैं ये, तो ये हमारा सामान है, इसमें से मुझे कुछ पता भी नहीं है, जैसे कि नूडल्स वगैरह लिए, वो तो मेरे को देखा भी नहीं, और नूडल्स हैं इसमें, तो वो तो एप्पल्स वगैरह का कैसे बिलिंग होगी वो देखिए। तो हर चीज़ पे ना बारकोड होता है, तो बारकोड स्कैन करके ही ये चीज़ें बिलिंग होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, फाइनली सामान तो सारा ले लिया है, अभी चलते हैं जल्दी से घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान ले लिया है, तो लेट्स गो होम। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम घर आ चुके हैं, और अब मतलब मैंने जो आपको मार्केट में दिखाया था उसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें ली थी, जो मैंने नहीं दिखाया वो आपको अभी दिखा देता हूँ, जैसे कि ये कुछ पास्ता है, और ये कुछ एग्स है, वो कुछ शुगर, और ये चिकन, बस ये सब हमने एक्स्ट्रा बाद में लिया, बाकी सब तो मैंने आपको दिखाया था, नूडल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल और केचप, ये सब लेते हुए, तो आप यहाँ देख सकते हो। तो अभी हम करते हैं मतलब अभी ये तो मतलब तैयारी करेंगे मेरी मॉम और हम लोग करेंगे अपना काम, स्कूल का जो बचा है, और थोड़ी पढ़ाई, नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद। सो फ्रेंड्स, ये हमारा इफ्तार लग चुका है, और अब हम यहाँ इफ्तार करेंगे बैठ के, तो बैठ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग तो सब बैठ गए हैं, तो अभी कुछ टाइम है तो दुआ मांग लेते हैं, तो देखिए सब दुआ भी मांग रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो सब बैठ चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं इफ्तार, तो बस 1 मिनट और इंतज़ार करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, टाइम हो गया। अल्लाहुम्म लका समतु व बिका मंतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क इफ्तार। तो यहाँ देख सकते हैं आप, उसको खिला रहा है और ये अपना शुरू कर चुके हैं, वो भी खा रही हैं बैठ के। सो फ्रेंड्स, इफ्तार कर लिया है, अभी जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं, और चलिए नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ।
सो जैसे कि आप लोगों ने देखा है, इफ्तार हमारा हो गया है और हमने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली है। अब इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और तरावी पढ़ेंगे मस्जिद में जाके। और जैसे कि आप लोगों ने फुल डे देखा कि मैंने आज का क्या किया, पहले मतलब स्टार्टिंग में आपको सहरी का टाइम दिखाया है, सहरी हमने करी, उसके बाद फिर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं स्कूल गया, स्कूल से आया, फिर रास्ते में आपको दिखाया कि लोग कैसे मतलब रास्ते में क्या कर रहे थे, और उसके बाद फिर मैंने आपको मार्केट ले जाकर दिखाया, वहाँ के प्राइस दिखाया फ्रूट्स वगैरह के, और मार्केट में भी काफ़ी अच्छा था, क्राउड वगैरह था और काफ़ी मज़ा आया। और पहला रमज़ान था मुझे तो मतलब स्टार्टिंग में ऐसा, जब मैं स्कूल से आया ना तब मुझे लगा कि मेरी बैटरी डाउन है, लेकिन बाद में जब मैं थोड़ी देर रेस्ट करा, फिर बाहर मार्केट गया और फिर सामान लिया, तो एक हैप्पी फेस के साथ मेरे अंदर एनर्जी आ गई, और फिर उसके बाद मेरे को खूब एनर्जी लगा। मुझे फिर जब मैं इफ्तार खोल रहा था ना, तब तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं भूखा हूँ या फिर मैंने खाना नहीं खाया, तो काफ़ी अच्छा लगा। और आई होप आप लोग को काफ़ी मज़ा आया, मतलब अच्छा लगा होगा ये देख के पहला रमज़ान। और आप लोग का कल रमज़ान होगा इंडिया में, 24 मार्च। अगेन रमज़ान मुबारक टू यू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी लाइक दिस एंड मोर, शेयर, लाइक, शेयर, कॉमेंट। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।